80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट कोविड-19 के गहराते संकट से उभर रही नई वैश्विक व्यवस्था के दुष्परिणामों को लेकर अब बहस होने लगी है। एक तरफ इस महामारी ने जहां सार्वजनिक वस्तुओं को उपलब्ध कराने की अमेरिका की क्षमता और उसकी इच्छा की लाचारी को रेखांकित किया है, वहीं दूसरी ओर चीन ने महामारी पर प्रतिक्रिया देने में खुद को वैश्विक नेता की तरह पेश किया है। कोविड-19 के वैश्विक व्यवस्था पर असर को G2 यानी अमेरिका और चीन के प्रिज्म से देखने की एक प्रवृत्ति नज़र आ रही है। कोविड-19 ने सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, इसलिए क्षमताओं को लेकर कोई गंभीर असंतुलन नहीं है। इसलिए मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत हो सकता है। निश्चित ही चीन पिछले कुछ दशकों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर उभरा है, लेकिन उसके साथ ही भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण कोरिया भी क्षेत्रीय ताकत के रूप में उभरे हैं। इनके पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने की पर्याप्त क्षमता और इच्छा भी है। कोविड-19 को लेकर उनकी क्षेत्रीय पहुँच ने इसे दिखाया भी है, इसलिए भावी विश्व व्यवस्था को लेकर कोई भी विश्लेषण इन फैक्टरों को शामिल किए बिना सही नहीं होगा। इन क्षेत्रीय ताकतों की मानवीय प्रतिक्रिया की क्षमता को जांचने व अमेरिका और चीन के दायरे से बाहर देखने की जरूरत है। कोरोना को लेकर भारत की प्रतिक्रिया उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति और पड़ोस में अपने हितों की रक्षा की क्षमता को रेखांकित करता है। उदाहरण के लिए भारत ने 75 करोड़ रुपए से सार्क कोविड-19 एमरजेंसी फंड स्थापित किया, मेडिकल सामान की सीमित उपलब्धता की चिंता के बावजूद उसने न केवल टनों जरूरी मेडिकल सामान चीन सहित पड़ोसी देशों में भेजा, बल्कि पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन और अमेरिका को भी भेजा। भारत ने विदेशों में फंसे अपने व अन्य देशों के नागरिकों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।